नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 मई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज तीसरे चरण के तहत बिहार के इन 5 सीटों पर होगा मतदान। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। आज से बिहार की इन सीटों पर अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। मनोज वाजपेयी की मोस्ट अवेटेड द फैमिली मैन के तीसरे सीजन की शूटिंग हुई शुरू। एनटीए ने कहा, नीट यूजी 2024 का पेपर नहीं हुआ है लीक। आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा दमदार मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के 54 पदों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 3 साल की अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मई 2024 है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। आज तीसरे चरण के तहत बिहार के इन 5 सीटों पर होगा मतदान। आज बिहार में लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान बिहार के 5 सीटों पर होने वाला है। इन सीटों में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल हैं। इन सभी सीटों पर मतदान सुबह के 7 बजे शुरू हो जाएंगे और शाम के 6 बजे तक मतदान चलेंगे। हालांकि जो क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए गए उन जगहों पर मतदान सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होंगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण के तहत 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनमें से 3 महिला और 51 पुरुष हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 19 है। 21 प्रत्याशी विभिन्न दल से हैं तो वहीं 14 प्रत्याशी बड़ी पार्टियों से हैं। एनटीए ने कहा, नीट यूजी 2024 का पेपर नहीं हुआ है लीक। सोशल मीडिया और कई जगहों पर नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने की संभावना जताई जा रही थी। देश में कई जगहों से परीक्षा सॉल्वर को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि नीट की परीक्षा के पेपर लीक की संभावनाओं के बीच सोशल मीडिया पर कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले की अभी तक केवल संभावना जताई गई थी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट की परीक्षा को कंडक्ट करवाती है, उसने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया है, जहां साफ तौर पर बच्चों और अभिभावकों को कहा गया है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए द्वारा 571 शहरों में 4,750 सेंटर पर परीक्षा सफलतापूर्वक 5 मई को पूरी हुई है, इसलिए पेपर लीक जैसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। शिक्षा विभाग और कुलपतियों की बैठक में के पाठक के नहीं आने का मुद्दा रहा गर्म। बीते ही दिन शिक्षा विभाग और कुलपतियों के बीच पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बैठक देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर से कुलपतियों के साथ बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दूरी बना ली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर ने के पाठक को अपने कार्यालय में 15 अप्रैल को बुलाया था। राज्यपाल के तलब के बाद भी के पाठक राज्यपाल के कार्यालय नहीं पहुंचे थे। बीते दिन हुए बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक, वहीं शिक्षा विभाग से कई पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन के पाठक के नहीं आने की खूब चर्चा देखने को मिली। आज से बिहार की इन सीटों पर अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। आज से लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये नामांकन प्रक्रिया 14 मई तक चलेगी और 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन किए गए उम्मीदवार चाहे तो 17 मई तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार में इस आखिरी चरण के लिए नामांकन पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, नालंदा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद की सीट पर होने वाले हैं। आखिरी चरण के तहत ये चुनाव 1 जून को होंगे और चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों का रिजल्ट 4 जून तक जारी कर दिया जाएगा। ICSE बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी। ICSE 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा जारी कर दिया गया है। बता दें कि ICSE की यह परीक्षा 12 फरवरी से 3 अप्रैल तक आयोजित हुई थी। परीक्षा में 1,00,000 बच्चों ने भाग लिया था। बिहार में 40 स्कूलों से करीब 5,851 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें कुल 99.68% बच्चे सफल हुए हैं। बिहार में लड़कियों ने बाजी मारी है। इसकी पासिंग प्रतिशत लड़कों की तुलना में अधिक है। वहीं 10वीं कक्षा में डॉन बॉस्को स्कूल की साधना श्री ने 495 अंक यानी 99% अंक प्राप्त किए हैं।
जाने मौसम में रेड ऑरेंज येलो और ग्रीन अलर्ट का मतलब। हम अक्सर आपको मौसम संबंधी समाचार सुनाते हैं। मौसम समाचार सुनने के दौरान आपने कई बार गौर किया होगा कि यदि गर्मी के मौसम में कोई अलर्ट जारी किया जा रहा है तो उसमें ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट की चर्चा की जाती है। क्या आपको पता है कि अलर्ट कब जारी किए जाते हैं? यदि नहीं तो हम आपको बता दें कि रेड अलर्ट उस स्थिति में जारी होता है जब जान माल का नुकसान होने का ज़्यादा डर हो। ऑरेंज अलर्ट तब जारी किया जाता है जब बाहर निकलने से पहले सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है जब लोगों को खराब मौसम को लेकर तैयार रहने की ज़रूरत है। और वहीं ग्रीन अलर्ट तब जारी किया जाता है जब हालात सामान्य हो जाते हैं। कि आपको मौसम में इन अलर्ट्स का मतलब पहले से पता था? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही YouTube पर रोल आउट होगा ये शानदार फीचर। YouTube पर एक शानदार फीचर रोल आउट होने वाला है। इस फीचर का नाम होगा जंप अहेड, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के आधार पर काम करेगा। बता दें कि इस फीचर के तहत YouTube पर लोगों को जंप अहेड नाम से एक बटन मिलेगा। इस बटन पर क्लिक करते ही यूजर सीधे वीडियो के उस पार्ट पर चले जाएंगे जो वीडियो का सबसे पॉपुलर पार्ट है। बता दें कि फिलहाल ये फीचर यूनाइटेड स्टेट में एंड्रॉयड यूजर्स को बस उपलब्ध करवाया गया है। हालांकि इस फीचर को एक्सेस करने के लिए आपको YouTube के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मुश्ताक अहमद नूरी के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1950 में बिहार के पूर्णिया में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय लेखक और आलोचक हैं। इन्होंने अब तक 3 लघु कथा संग्रह लिखे हैं। साथ ही ये बिहार उर्दू अकेडमी के सचिव भी रहे हैं। वर्ष 1977 में इन्होंने BPSC की परीक्षा पास की थी। एक सरकारी अधिकारी के रूप में इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रो के रूप में काम किया। साथ ही बिहार कैबिनेट मंत्री के 2 बार सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। मनोज वाजपेयी की मोस्ट अवेटेड द फैमिली मैन के तीसरे सीजन की शूटिंग हुई शुरू। मनोज वाजपेयी की मोस्ट अवेटेड द फैमिली मैन के तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि सीरीज के दूसरे सीजन के खत्म होते ही दर्शक तीसरे सीजन की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस सीजन में मनोज वाजपेयी एक बार फिर से श्रीकांत तिवारी के किरदार में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सीरीज में श्रीकांत तिवारी एक ऐसा आइकॉनिक किरदार है जो मिडिल क्लास फैमिली से अपना संबंध रखता है और ये वर्ल्ड क्लास स्पाई है। इसमें श्रीकांत तिवारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई खतरों से अच्छी तरह निपटते दिखाई देने वाले हैं। इन परेशानियों के साथ ही वे बखूबी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी निभाते नजर आएंगे, जो दर्शकों का दिल जीत लेगा। आज 11 नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य लेंगे शपथ। चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच आज बिहार विधान परिषद के 11 नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शपथ लेने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत और भी कई नेता शामिल रहेंगे। शपथ ग्रहण का ये समारोह विधान परिषद सभागार में होने वाला है। इन 11 नवनिर्वाचित सदस्य को विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर शपथ दिलवाने वाले हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी परिषद के सचिव अखिलेश कुमार झा द्वारा दी गई है। शपथ समारोह का ये आयोजन सुबह के 10 बजे से शुरू हो जाएगा। जानिए चेक के पीछे क्यों किया जाता है साइन। कई बार हम पैसों के लेन देन के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर चेक से जब हम लेन देन करते हैं तो उसके पीछे साइन भी करते हैं। चेक पर ये साइन बेयरर के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चेक के पीछे साइन क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बेयरर चेक से ये खतरा रहता है कि अगर किसी को ये चेक रास्ते में गिरा हुआ मिल जाए या इसे चोरी कर लिया जाए तो गलत व्यक्ति बैंक में जाकर इससे पैसे निकाल सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर बैंक बेयरर चेक पर साइन करवाता है। ऐसा करने पर यह सुनिश्चित होता है कि बैंक की तरफ से पैसों को दे दिया गया है। बिहार की बेटी का भारतीय महिला वॉलीबॉल में हुआ चयन। Under-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल की टीम में बिहार की खुशी कुमारी का चयन हुआ है। खुशी कुमारी बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली हैं। इनकी उम्र महज 19 वर्ष है। बता दें कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने इस बात की जानकारी दी है। खुशी अपने गांव के लड़कों के साथ वॉलीबॉल खेलने वाली एकमात्र लड़की थी। गाँव में पली बढ़ी खुशी ने आज तक इस खेल के लिए कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। बावजूद इसके इनकी मेहनत आज रंग लाई और इन्हें आज एक मंच मिला है। इनकी पारिवारिक हालात कुछ ठीक नहीं है। पिता के देहांत के बाद कई लोग इन्हें ताना मारते थे, बावजूद इसके इन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और रोज खेल के लिए प्रैक्टिस करती रहीं। भारतीय महिला वॉलीबॉल में इनका चयन होने के बाद खुशी काफी खुश हैं। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। मौसम विभाग द्वारा इन दिनों लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है।
मौसम में बदलाव को लेकर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर आज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में भी एक या दो जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा को लेकर संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री के बीच में रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार के पूर्णिया से नीट की परीक्षा में पकड़े गए चार मुन्ना भाई से पूछताछ में कई खुलासे। बिहार के पूर्णिया में नीट यूजी 2024 की परीक्षा के दौरान चार मुन्ना भाई पकड़ में आए हैं। ये सभी मुन्ना भाई दूसरे कैंडिडेट की जगह पर नीट की परीक्षा में बैठे थे। पकड़े गए ये मुन्ना भाई राजस्थान के जालौर, भोजपुर, बेगूसराय और सीतामढ़ी से अपना संबंध रखते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी डमी कैंडिडेट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो नीट के अभ्यर्थियों की जगह पर परीक्षा देने आए थे। इन सभी को SRDSE स्कूल के एग्जाम सेंटर से पकड़ा गया है। मामले को लेकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने फिक्स डील की बात कबूली और अपना जुर्म भी कबूल किया। अब इन सभी डमी कैंडिडेट के पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस मामले में आगे की पूछताछ कर रही है। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने लूट कांड का किया पर्दाफाश। त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के अंदर कटिहार पुलिस ने लूट कांड का खुलासा किया है। बता दें कि इस लूट कांड का खुलासा करते हुए कटिहार पुलिस ने 6,59,000 रुपये बरामद किए हैं। इस मामले में गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। याद हो कि 3 मई की रात 9 बजे दिघरी पेट्रोल पंप के पास माइक्रो फाइनेंस कर्मी लाल बाबू यादव ने कोरहा थाना को 7,67,000 रुपये के लूट की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस जांच में और मामले की छानबीन में लग गई। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को शक हुआ कि वादी ही अपराधी है, जिसके बाद पुलिस ने लाल बाबू यादव और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया और इन्होंने अपने जुर्म भी कबूले हैं। देसी शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब तस्करी के मामले में एक बार फिर से बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल इस बार का ये मामला बिहार के मुंगेर में गंगचा थाना क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक भीम बांध जंगल में शराब की 6 भट्टी को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। साथ ही 510 लीटर देसी महुआ शराब को बरामद किया गया है। इस दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले की जानकारी पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर मिली थी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए IPL की तर्ज पर IVL का होगा आयोजन। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए JP गंगा पथ, जो पटना में मरीन ड्राइव के नाम से प्रसिद्ध है, वहां IPL की तर्ज पर इंडियन वोटर लीग यानी IVL का आयोजन किया जा रहा है। IVL का आयोजन नगर निगम की तरफ से करवाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा गंगा के किनारे पिच को तैयार किया गया है, जहां मैच का आयोजन देखने को मिलेगा। इस खेल में हर क्षेत्र के लोगों की भागीदारी होगी और टीम तैयार होगा। बता दें कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये मैच 10 से 25 मई तक होने वाला है। इस IVL का आयोजन के लिए दिघा JP सेतु घाट से गेट नंबर 88 तक की साफ सफाई नगर निगम द्वारा करवाई गई है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नित्यानंद को बताया जिगरी दोस्त। बीते ही दिन उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के नरघोगी में अमित शाह अपने चुनावी सभा के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय मेरा जिगरी है, इसे जिताइए, मैं इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। मैं कह के जाता हूं, इसने बहुत बड़ा काम किया है। कोविड काल में इसने बड़ा काम किया है। मैं तो बीमार पड़ गया था, इसने संभाला। इतना तो मैंने गांधीनगर में काम नहीं किया जितना उजियारपुर में नित्यानंद ने काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि उजियारपुर वाले लोग अच्छे हैं, आप राहुल बाबा की बात नहीं सुनते। तेजस्वी ने BJP पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। बीते ही दिन पटना एयरपोर्ट से तेजस्वी यादव अपनी बिगड़ी हुई तबीयत के कारण व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकले थे। बता दें कि वे छपरा और सिवान चुनाव के प्रचार के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए BJP पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि BJP के लोगों को सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हमारी महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाया है। आरक्षण की सीमा 75% किया है। ये काम अमित शाह क्यों नहीं बोलते हैं? आगे उन्होंने BJP को लेकर कहा कि ये लोग केवल झूठ की खेती करने का काम करते हैं।
बिहार में बसपा को लगा बड़ा झटका। बसपा के प्रदेश महासचिव चंचल मिश्रा के इस्तीफे से बिहार में बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा झटका लगा है। दरअसल बसपा के प्रदेश महासचिव अपने समर्थकों के साथ राजद में शामिल हो गए। सोमवार को उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी ले ली। इन सभी को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सदस्यता दिलवाई है। इस दौरान जगदानंद सिंह ने कहा है कि राजद सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला दल है। 17 महीने की महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में नौकरी और रोजगार के जो कार्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किया गया है, उसके प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन बढ़ा है। चिराग पासवान के समर्थन में सभा करने हाजीपुर आएंगे पीएम मोदी। हाजीपुर से एनडीए प्रत्याशी और लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करने वाले हैं। ये जनसभा 13 मई को हाजीपुर के कुतुबपुर में होगी। जनसभा से पहले चिराग पासवान सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री जी पहले चुनाव प्रचार हमारे कर्मभूमि जमुई से शुरू किए हैं, अब वो हमारे पिता के कर्मभूमि पर आ रहे हैं, जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के संकल्प के साथ हाजीपुर की जनता से आशीर्वाद लेने निकले हैं। आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा दमदार मुकाबला। आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बता दें कि मुकाबला दिल्ली के होम ग्राउंड मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम ने अभी तक 5 मैचों में जीत हासिल की है। ये टीम अभी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। राजस्थान की बात करें तो उस टीम ने प्लेऑफ को क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि इस मैच में राजस्थान अपने बेहतर प्रदर्शन और पॉइंट टेबल पर शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए जीतने की पूरी कोशिश करेगी। दिल्ली के होम ग्राउंड पिच की बात करें तो ये फ्लैट पिच है, जो बल्लेबाजों के लिए बेस्ट माना जाता है। यहाँ का मैदान भी छोटा है, तो बल्लेबाज जमकर छक्के और चौके लगाने की कोशिश में रहने वाले हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 7 मई वर्ष 1861 में भारत के प्रसिद्ध बांग्ला कवि रविंद्रनाथ टैगोर का कोलकाता में जन्म हुआ था। ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1912 में भारतीय लेखक पन्नालाल पटेल का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1973 में अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी की आधारशिला ईटानगर में रखी गई थी। आज के दिन वर्ष 2002 में गुजरात की हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने गंभीर चिंता जताई थी। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सपाट पर बंद हुआ शेयर बाजार। शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सपाट पर बंद हुआ है। आपको बता दें कि बीएसई पर सेंसेक्स 17 अंकों के उछाल के साथ 73,895.54 पर बंद हुआ। एनएसई पर निफ्टी 0.15% की गिरावट के साथ 22,442.70 पर बंद हुआ। वहीं आज के कारोबार के दौरान ब्रिटानिया, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, एचयूएल टॉप गेनर के लिस्ट में शामिल देखने को मिले हैं। वही गिरावट के साथ टाइटन कंपनी, अडानी इंटरप्राइज, बीसीएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कारोबार किया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है रांची। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है भूषण सिंह को, ऑप्शन बी है जयंत चौधरी को, ऑप्शन सी है उदित नारायण को, ऑप्शन डी है अमित गोयल को। इसका सही उत्तर है भूषण सिंह को। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी 1929। इसका सही उत्तर है 1927। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है सर फैजल अली, ऑप्शन बी है पंडित लक्ष्मीकांत, ऑप्शन बी है पंडित लक्ष्मीकांत झा, ऑप्शन सी है सुदर्शन कुमार दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सर फैजल अली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उनके नाम है सुबोध कुमार, कुलवंत सिंह, राजकुमार गोनर शर्मा, परशुराम सिंह, गंभीर कुमार, मनमोहन चौधरी, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद रजा, रविकांत यादव, अतीक खान, जितेंद्र कुमार साहनी, राकेश मिश्रा, मधु कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।